तो दोस्तों अभी आप अगर एक बार देखोगे तो कैसा व्यू यहाँ पे, सामने जो बादल दिख रहे हैं भाई, तो क्या ही बोलें, ये देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और कहीं ना कहीं अभी आपको धुंध भी दिखाई दे रही होगी, सामने चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं। और अगर भाई यहाँ पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, तो नीचे की तरफ अगर आप, हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक हिमाचली पंडित में। तो दोस्तों काफ़ी दिन के बाद जो है ब्लॉग में फिर से मुलाकात हो रही है आपसे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपने पहले की वीडियोज़ में मेरे को प्यार और सपोर्ट दिखाया दोस्तों, तो मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ के लिए। दोस्तों मुझे आशा नहीं थी कि इतना प्यार और सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा। जो मैंने अपनी पहली वीडियो चैनल में डाली थी, तो वो 0 व्यूज़ और 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था मैंने अपना चैनल। तो मेरे को लगा था कि लगभग 30 या 40 के ज़्यादा व्यू यहाँ पे नहीं मिल सकते, बट वो जो वीडियो थी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की, वो 2 दिन में 1K व्यूज़ पार कर गई थी। दोस्तों इस बात से कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब कमेंटिंग करेंगे कि भाई तू कितना बड़ा यूट्यूबर बन गया जैसे तू बोल रहा है, बट दोस्तों मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितना बड़ा यूट्यूबर बना, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। 1K व्यूज़ मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल से थे। मेरे लिए जो ब्लॉगिंग करना एक कसम से मेरी हॉबी है कि मेरे को अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। बाकी मुझे बाकी से कुछ लेना देना ही, वो क्या कमेंटिंग करते हैं या क्या करते हैं। बट वैसे ही आपका सपोर्ट फिर हर वीडियो में मेरे को मिलने लगा। लगभग 2 या 3 मंथ के अंदर मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 1K के आसपास आने लग पड़े और हर वीडियो में जो है 1K से ज़्यादा व्यूज़ आने लग पड़े। वैसे ही मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा कि नहीं भाई ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो फिर धीरे धीरे मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। बट कुछ टाइम के बाद दोस्तों 3 या 4 मंथ के बाद जो है ब्लॉगिंग मतलब बंद होने लग पड़ी, मेरे चैनल में व्यूज़ और सब्सक्राइबर जो है कम होने लग पड़े। उसका रीज़न मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि भाई चैनल डाउन होता जाएगा, तो मैंने एक्टिव रहने के लिए, ताकि चैनल में लोगों को ऐसा ना लगे कि चैनल बंद हो गया है, तो मैंने कहीं ना कहीं, अगर आप चैनल में जाके देखोगे, मैंने न्यूज़ डालना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद न्यूज़ में तो लगभग अगर मैं न्यूज़ डालता था तो उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर चले गए, तो फिर मेरे को इस बात से दुख भी हो रहा था कि भाई मेरे सब्सक्राइबर जा रहे हैं। तो वहाँ पे अगर मैंने न्यूज़ की मैंने 20-25 वीडियो डाली थी, तो न्यूज़ में मेरे को हर न्यूज़ पे 5-10 व्यूज़ आते थे, बट उससे क्या हो रहा था, मेरे कम से कम 70-80 के आसपास इससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है जाने लग पड़े। हर दिन में मेरे 5 या 10 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर देते थे। कहीं ना कहीं भाई मेरे को दुख भी होता था कि भाई सब्सक्राइबर जा रहे हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो दोस्तों वीडियो ना डालने के पीछे और 2-3 मंथ ब्लॉगिंग ना करने के पीछे एक रीज़न था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो काफ़ी टाइम के बाद आज मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, तो भाई थोड़ी कैमरा के सामने नर्वस भी हो रहा हूँ, होता है भाई जब काफ़ी टाइम के बाद। मैंने काफ़ी दिनों से सोचा था कि भाई ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ, मेरे को सबने बोला कि भाई ब्लॉगिंग शुरू कर, बट मेरे में हिम्मत नहीं होती थी कि कैमरा फेस कर सकूं। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब मेरे को मोटिवेट किया लोगों की, भाई तेरे व्यूज़ अच्छे आते थे तू कर सकता है, फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से कोशिश की जाए। तो दोस्तों मेरे को आपका फिर से एक बार सपोर्ट और वही प्यार चाहिए जो आपने पहले की वीडियोज़ में दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। मुझे नहीं पता मैं किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा हूँ अभी वीडियो में, बट जैसा भी है मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है कैमरा फेस टू फेस आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मतलब ब्लॉगिंग पसंद करता है, जिन्होंने मेरे को पहले काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, तो वो चैनल में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं। अगर आपका प्यार वैसा ही मिला तो मैं फिर से ब्लॉगिंग करूँगा, अदरवाइज़ भाई क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा बंदे तो मोटिवेट तो बहुत कम करते हैं, डीमोटिवेट काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, बट भाई मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है व्यूज़ के पीछे, मतलब चाहे मेरे को 5 आए 10 आए, बट वो जो दिल की खुशी होती है ना, इसीलिए ब्लॉगिंग करता हूँ मैं कि मतलब मेरे को पसंद है ब्लॉगिंग, बाकियों का मेरे को ये नहीं। तो दोस्तों बाकी अगर मैं आपको यहाँ के मौसम की बात करूँ, एक बार अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे फिर से जो है धुंध पड़ना शुरू हो गई है। तो दोस्तों देखने में इस टाइम आप देख सकते हो धुंध कितनी प्यारी लग रही है देखने में। तो दोस्तों अभी आप अगर एक बार देखोगे तो कैसा व्यू यहाँ पे, सामने जो बादल दिख रहे हैं भाई, तो क्या ही बोलें, ये देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और कहीं ना कहीं अभी आपको धुंध भी दिखाई दे रही होगी, सामने चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं। और अगर भाई यहाँ पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, तो नीचे की तरफ अगर आप देखो, खाई है
तो स्पेशली दोस्तों यहाँ पे हम मतलब घूमने फिरने आते रहते हैं। तो अभी जो मौसम है, अभी तो मौसम साफ लग रहा है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बारिश हुई थी लगभग एक डेढ़ घंटा पहले। बाकी अभी जो है शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं वैसे ही आ गया था घूमने फिरने। तो अगर भाई वहाँ पे सनसेट दिखाई देगा आपको, मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ सनसेट। तो सनसेट हो रहा है वहाँ पे, और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ या नहीं, आपका प्यार और सपोर्ट ही चाहिए मेरे को। तो चलते हैं दोस्तों, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि व्यू कैसा लगा आपको पीछे का। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको सनसेट यहाँ का। दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो कि सनसेट हो रहा है अभी, क्योंकि टाइम जो है 6:30 और 7:45 के आसपास हो रहा है। पेड़ों के बीच में आपको दिखेगा नहीं, बट कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है। अभी भाई जो है टाइम हो रहा है शाम के, हो रहे हैं 6:30 और 7:45 के आसपास। तो इस टाइम देख लीजिए कि कितना लाइट है यहाँ पे, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ अंधेरा लगभग 7 से 7:30 के बीच में होता है। बाकी यहाँ भाई बरसात के टाइम में देख सकते हो जंगल पूरा का पूरा जो है हरा भरा दिखाई दे रहा है। और सामने वहाँ पे एक टेम्पल है, आपको दिखेगा नहीं, वो सामने एक विलेज है। बाकी दोस्तों ये जो लहर बनती है ना, ये बादलों के ऊपर से जो धुंध उठती है, इसकी लेयर बनती है ना, वो देखने में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा औसम लगती है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों।